बच्चों, आज हम एक बड़ा ही इजी सा लगने वाला एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ये हमारे पास है कॉपर वायर, यहाँ आपको ये कंपास देख ही रही है, और ये है सेल। तो हम इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं इस सेल से, जिससे कि इस वायर में करंट फ्लो हो सके। ये हमने वायर को ऐसे कनेक्ट कर दिया है सेल से, और अब हम देखते हैं कि जब हम इस वायर को, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसको इस मैग्नेटिक नीडल के ऊपर लाते हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ता है इसकी नीडल पर। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एकदम से आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा जब इस वायर को मैग्नेटिक नीडल के जस्ट अबो लाया जाता है। इस वायर में करंट की डायरेक्शन हम इससे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें प्लस दिखाई दे रहा है और इधर माइनस, मीन्स ये डायरेक्शन है करंट की। और इस डायरेक्शन के लिए आप डिफ्लेक्शन को ध्यान से देख लें, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ कि और आपको क्लियरली दिख पाए। तो ये जब हम इसको वायर को लाए, तो आप देख सकते हैं डिफ्लेक्शन किस साइड हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे घुमा दे रहे हैं, मीन्स हमने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। तो अब जब हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो आप देखते हैं डिफ्लेक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो डिफ्लेक्शन है, उसकी भी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है करंट की डायरेक्शन अपोजिट करने के साथ। तो ये आपने देख लिया कि किस तरह से डिफ्लेक्शन आता है नीडल में, और जब हम करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट ऑर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट से एक्सीडेंटली हो गया था, जब वो क्लासरूम में कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे। उनकी टेबल पर कंपास रखी हुई थी, और उन्होंने एक वायर में करंट फ्लो कराया, तो उन्होंने देखा कि कंपास की नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ। अब नीडल में डिफ्लेक्शन होने का मीनिंग है कि वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, पर वहाँ कोई मैग्नेट नहीं थी, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई? तो ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई थी जब वायर में करंट फ्लो हो रहा था, तब उस वायर के करंट की वजह से। ये फिजिक्स की फील्ड में एक बहुत बड़ी खोज थी। बहुत बड़ी खोज कैसे? बिफोर 1820 ये माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक डिफरेंट ही ब्रांचेस हैं फिजिक्स की, दोनों को अलग अलग स्टडी किया जाता था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद सामने आया कि दोनों का आपस में कनेक्शन है। मतलब जब वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन गई है, जिसको प्रूव किया डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल ने। तो इस तरह से दोनों इंटर रिलेट हो गई, और इन दोनों फील्ड का यूनिफिकेशन हो गया, और फिजिक्स की एक नई ब्रांच का जन्म हुआ, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फील्ड में बहुत सारे साइंटिस्ट जैसे फेराडे, मैक्सवेल, बोस और एम्पियर, ऐसे काफ़ी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस फील्ड में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। और इसका डेली लाइफ एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, तो मोटर और जनरेटर, जिनके बिना हमारी लाइफ काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, तो वो इसके एग्जाम्पल हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। बाकी आप डिटेल इसकी आगे आने वाली यूनिट्स में पढ़ेंगे। तो अब हम इस एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं डिटेल में, कि जो एक्सीडेंटली एक्सपेरिमेंट हो गया था, उसको उन्होंने फिर बाद में प्रॉपर तरीके से रिपीट किया कई बार, और फिर उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए। तो वो ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये कुछ नोट्स बनाकर रखे हुए हैं, तो मैं आपको इन्हीं से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। इन 1820 ओरस्टेड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये बात हम कर चुके हैं। उन्होंने कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वो यहाँ पर है। यहाँ पर एक ये बैटरी है, और ये है एक मैग्नेटिक नीडल। तो जब इस बैटरी के थ्रू ऐसे वायर में करंट फ्लो कराया गया, तो इस नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ। अभी हमने ये एक्सपेरिमेंटली देखा भी। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑल्सो रिवर्स्ड। अब करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर जो डिफ्लेक्शन है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है ये नीडल में। ये भी हमने देख लिया अभी एक्सपेरिमेंट में। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल इंक्रीज्ड विद इंक्रीज इन द करंट एंड वाइस वर्सा। अगर करंट का अमाउंट चेंज कर दिया जाए, तो डिफ्लेक्शन के अमाउंट में भी चेंज आ जाता है। मतलब अगर कम करंट है, तो डिफ्लेक्शन थोड़ा हो रहा है, और अगर करंट का अमाउंट ज़्यादा कर दिया जाए, मीन्स ज़्यादा वोल्ट का सेल लगा दिया जाए, तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। और सिमिलरली, अगर कम करंट है, कम डिफ्लेक्शन,
ज़्यादा करंट है तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन. सो ही कंक्लूडेड दैट इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट इन द स्पेस अराउंड द कंडक्टर. मतलब अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो अपने अराउंड ऐसे एक स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. दैट इज फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और यही है वो इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन कि जब इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो रहे होते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स बन जाते हैं. मींस उनसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है. बच्चों इस एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट है द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल कैन बी फाउंड बाय अप्लाइंग एम्पियर स्विमिंग रूल एंड स्नो रूल. एम्पियर स्विमिंग रूल ऑल्सो नोन एज स्नो रूल. तो हम इनसे देख लेते हैं कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे. यहाँ आपको दिखाई दे रहा है SNOW. इसका मतलब है कि अगर कोई स्विमर साउथ से नॉर्थ की तरफ ऐसे आगे बढ़ रहा है और मैग्नेटिक नीडल को इस तरह से उसके बिलो रखा जाए तो जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ है वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये नीडल में डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन जो है उसको एक्सप्लेन करेगा. जिस तरह से स्विमर का जो हैंड है लेफ्ट हैंड वो वेस्ट की तरफ जाता है बिल्कुल इसी तरह से. तो ये दोनों जो हैं ये डायरेक्शन बता देते हैं नीडल में डिफ्लेक्शन की. अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टिंग वायर इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स लाइंग इन अ प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. इसको देख लेते हैं. किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो ये है वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और ये है प्लेन ऑफ पेपर. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में आएंगी इस प्लेन ऑफ पेपर पर. यही इस पॉइंट का मीनिंग है. जैसे यहाँ पर दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं ऐसे ही बहुत सारे सर्कल्स बनते चले जाएंगे इस पॉइंट के अराउंड, इस वाले पॉइंट के अराउंड. अब इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल एंड मैक्सवेल स्क्रू रूल. अब यहाँ ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहे हैं. अब हमें डायरेक्शन देखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी. तो ये जो वायर है इसमें करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसे होल्ड करेंगे. सपोज करंट की डायरेक्शन ऐसे आउटवर्ड है तो हम इसको वायर को ऐसे होल्ड कर लेंगे. मीन्स थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन बताए. तो थंब अगर करंट की डायरेक्शन बता रहा है तो कर्ल ऑफ फिंगर्स ये हमें बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. तो अगर करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी इसमें वो हम एरो से अगर बनाएंगे तो इस तरह से आ जाएगी. ये वाली डायरेक्शन मिलेगी हमें. सिमिलरली अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हम वायर को इस तरह से होल्ड करेंगे. ये करंट की डायरेक्शन बताएगा तो जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो क्लॉकवाइज आ जाएगी. मीन्स अगर अपवर्ड करंट है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की. सेम यही हम मैक्सवेल स्क्रू रूल से फाइंड कर सकते हैं. जैसे किसी स्क्रू को टाइट किया जाता है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है और उसको घुमाया जाता है क्लॉकवाइज. ऐसे ही जब स्क्रू को ओपन किया जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए वो बाहर आता है. तो ये अपवर्ड डायरेक्शन करंट की हो गई तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हो गई हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ द पेज इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट एंड मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस. मैग्नेटिक फील्ड को हम डॉट और क्रॉस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसा करने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि जब हम फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट इनकी बात करते हैं लेफ्ट हैंड रूल में तो हमारे पास थ्री क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी डायरेक्शन हमें रिप्रेजेंट करनी होती है. एक पेपर में हम दो ही डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं. टू डायमेंशनल है ये तो बस कि इस तरह से ये इस तरह से. तो थर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस और डॉट से कि हम तीन डायरेक्शन की बात कर सकें. अब मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कब शो करते हैं और डॉट कब शो करते हैं? जब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज होती है तो उसको इनटू द पेज को क्रॉस से शो किया जाता है
और जब मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज बाहर की तरफ है तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। डायरेक्शन को इससे और अच्छे से समझ सकते हैं, ये डार्ट बोर्ड पर निशाना लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जब हम इसको इस तरह से फेंकते हैं तो ये अगर इनटू द पेज की डायरेक्शन में है तो यहाँ आपको ऊपर क्या दिख रहा है, क्रॉस। तो क्रॉस का मतलब क्या है, इनटू द पेज। और अगर ये आपकी तरफ आए ऐसे इस तरफ तो आउट ऑफ द पेज। आउट ऑफ द पेज के लिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें डॉट दिखाई दे रहा है। तो डॉट मतलब आउट ऑफ द पेज, क्रॉस मतलब इनटू द पेज। किसी वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता चल गई थंब रूल से या स्क्रू रूल से हम फाइंड कर लेते हैं। पर अगर किसी पॉइंट के लिए पूछा जाए कि किसी एक पॉइंट पर बताओ डायरेक्शन क्या होगी, डॉट होगी या क्रॉस होगी, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। सपोज ये है वायर, इसमें इस तरफ करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पर कोई पॉइंट है और बोला जाए इस पॉइंट पर बताओ। जैसे ये पॉइंट है सपोज, कि इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो बतानी है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि ये जो थंब है उसको हम रखते हैं करंट की डायरेक्शन में। तो ये थंब करंट की डायरेक्शन में हो गया, अब आपकी पाम जो डायरेक्शन शो करेगी वही डायरेक्शन इस पॉइंट पर आएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। फिंगर्स को हमें उस साइड रखना है जिस साइड पॉइंट गिवन है, जिस पर डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो ऐसे रखेंगे हम, अब ये ऐसे कि ऐसे रखा ये, तो डायरेक्शन कौन सी हो गई, इन टू द पेज। इन टू द पेज मतलब क्रॉस वाली फील्ड यहाँ पर आ जाएगी। सपोज अब इधर कोई पॉइंट है, इसमें वायर में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है और बोला है कि इधर कोई पॉइंट है, इस पर बताइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, थंब को तो हमें रखना है करंट की ही डायरेक्शन में, फिंगर को हमें किधर रखना है, जिस साइड हमें पॉइंट गिवन है जिस पर डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो अब ये ऐसे ही केस में पॉसिबल है इस तरह से। तो इस तरह से जब रखेंगे तो ये ऊपर की तरफ आ रही है ना ये पाम की जो डायरेक्शन है ऐसे, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउट ऑफ द पेज। तो आउट ऑफ द पेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। तो अगर इस साइड है तो हम उसको आउट ऑफ द पेज, इस साइड है तो इन टू द पेज, इधर वाली डॉट से और इधर क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। किस कंडीशन में, अगर करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। तो आई होप कि आपको ये यहाँ तक के पॉइंट सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।